एक सफल और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाइए बेल आइकन को और पाइए अच्छी वाली एडवाइस। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि Amazon दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी कैसे बन सकी? अगर आपको भी लगता है कि Amazon एक ऑनलाइन स्टोर है जहां पे लोग सामान को खरीद और बेच सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं Amazon के असली इन डेप्थ बिजनेस मॉडल को। जरा एक एग्जांपल सोचिए, अगर आपकी एक ग्रोसरीज की यानी किराना दुकान है और वो दुकान हर कस्टमर के हिसाब से बदलती रहे, तो यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिक सामान में इंटरेस्ट है आपकी दुकान में ऑटोमेटिकली उसके घुसते ही सारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों से वो दुकान भर जाए, जैसे कपड़ों में इंटरेस्ट है उस कस्टमर के घुसते ही उस दुकान में सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे, तो कितना अच्छा होगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हम जानते हैं इस वीडियो में Amazon के रियल एडवांटेजेस, जिससे वो बाकी सभी कंपनियों से बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। आज हम ब्रॉडली बात करेंगे Amazon के तीन एडवांटेजेस की, बिग डेटा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कॉस्ट एडवांटेज, जिससे बनता है उसका एक सुपीरियर बिजनेस मॉडल। तो हम ये चारों ही चीजें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बिग डेटा से। अब ये बिग डेटा क्या है? Amazon पे रोज लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स ऑर्डर होते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसे यूज करते हैं, तो Amazon को ये पता है कि कौन से एरिया के लोगों को कौन सी चीज किस दाम पे पसंद है। जैसे Amazon को ये पता है कि दिल्ली में लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किस सीजन में वो क्या पहनते हैं और किस प्राइस पे खरीदना पसंद करते हैं। Amazon को ये भी पता है कि मुंबई में लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, किस सीजन में क्या पहनते हैं और किस प्राइस पे। तो इस डेटा एडवांटेज के साथ Amazon वही प्रोडक्ट्स अपने खुद के ब्रांड के अंदर लॉन्च कर देता है। जैसे Amazon ने क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च किया सिंबल, और वैसे ही उसने लॉन्च किया Amazon Basics नाम का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांड, जो USB केबल्स, पावर बैंक्स, इस तरह की चीज़ें बनाता है। तो Amazon ने इंडिया में जो वो 4-5 साल का उसके पास डेटा था, उसे स्टडी करके ये दो ब्रांड्स बनाए। अब उसने मुंबई के वेयर हाउसेस में ऐसे कपड़े रखे जिनकी मुंबई में डिमांड ज़्यादा होती है, जो Amazon को पता था, उसे लोअर प्राइस पे रखा। तो अब क्या होता है, अगर आप मान लीजिए किसी ब्रांड का कपड़े ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे W, लेकिन फिर आपको दिख रहा है कि उसको डिलीवर होने में 3 या 4 दिन लगेंगे, और वहीं सिंबल जो Amazon का खुद का है वो 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि Amazon ने पहले से उसे मुंबई के अपने गोडाउन में रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता है लोगों को ये चीज़ चाहिए। तो अब फेस्टिवल्स के समय जब आपको अर्जेंटली कपड़े चाहिए, तो आप 1 हफ्ता इंतज़ार करके W का ले या तुरंत सिंबल का ऑर्डर कर ले, जो कि सिमिलर है, क्योंकि Amazon ने हर चीज़ सिमिलर बनाई है स्टडी करके, और उसने उसे प्राइसिंग में भी बाकी ब्रांड से थोड़ा कम रखा है। तो नेचुरली कस्टमर्स Amazon Basics या सिंबल जैसी चीज़ें लेंगे। तो Amazon इस डेटा को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करता जाता है। ये है उसका पहला बिग डेटा एडवांटेज। सेकेंड है प्रिडिक्टिव शिपिंग। उसे पता है कि कौन से सीजन में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में बढ़ती है, किस स्टेट में क्या बढ़ता है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ वुलन, फुटवेयर, जैकेट्स की डिमांड अक्टूबर नवंबर से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो Amazon किसी और स्टोर के मुकाबले, जिसके पास इतना डेटा नहीं है, क्योंकि Amazon को पता है कि कब किसकी डिमांड आने वाली है, तो वो तुरंत उन स्टेट्स के अपने वेयर हाउसेज में उन प्रोडक्ट्स को भर देता है, ताकि जब आप किसी और वेबसाइट पर जाएँ और जैकेट ऑर्डर करने जाएँ और वहाँ दिखे कि 10 दिन का टाइम लगेगा, और Amazon को क्योंकि पहले से पता था कि इस एरिया के लोग क्या ऑर्डर करने वाले हैं, उसने वो गोडाउन में रख दिया है और अब वो 2 घंटे में आपको डिलीवर हो सकता है, तो आप कौन सी वेबसाइट से लेंगे, चांसेस बढ़ जाती हैं कि आप Amazon को यूज़ करेंगे। तो वो प्रिडिक्टिव शिपिंग करता है, बिना ऑर्डर आए ही वो ऑर्डर्स को प्रिडिक्ट करके प्रोडक्ट्स को नियरेस्ट गोडाउन तक शिप कर देता है। इसका तीसरा एडवांटेज, ये इसने इंडिया में अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन कई देशों में ये चीज़ Amazon कर रहा है, कि Amazon एज अ लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपके साथ ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी हैंडीक्राफ्ट्स की खुद की एक छोटी सी फैक्ट्री है, तो अब आप हैंडीक्राफ्ट्स अलग अलग वेबसाइट्स पे बेचते हैं और आपको अपने कस्टमर्स को कोरियर कराना होता है प्रोडक्ट, और कोरियर आपको महंगा पड़ता है, तो यहाँ Amazon आपके लिए कोरियर पार्टनर का काम करता है। यानी आप चाहें तो सामान केवल अपनी वेबसाइट पे बेचें, Amazon पे आपको सामान डालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आए, कोरियर का काम Amazon कर देगा। अब वो ये क्यों करता है, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स या स्मॉल बिजनेसेस के लिए जब वो कोरियर डिलीवर करता है, तो उसे पता रहता है कि कौन सी चीज़ किस दाम पे बिक रही है, कौन सी वैरायटी बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है। जैसे मान लीजिए कि आपका डिओड्रेंट्स बनाने का बिजनेस है, तो Amazon अगर आपका कोरियर पार्टनर है, तो उसे कुछ हद तक ये पता चल सकता है
कि कौन सी फ्रेग्रेंस लोगों को पसंद आती है, कौन सी नहीं आती। तो कल को वो सिंबल नाम से अपने खुद का डियो ब्रांड ला सकता है और उसमें केवल वही फ्रेग्रेंसेस ले सकता है जो उसे पता है कि बिकती है। तो इस तरीके से भी अमेज़न के पास बहुत बड़ा डेटा एडवांटेज है। डेटा एडवांटेजेस और भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। तो अब हम सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं कि अमेज़न कैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से अपने आप को बाकियों से आगे कर रहा है। तो पहले बात करते हैं AWS की, यानी अमेज़न वेब सर्विसेज। अब ये क्या है? बेसिकली ये क्लाउड सर्वर्स हैं, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट है और आपको उसे दुनिया तक पहुंचाना है तो वेबसाइट को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जिसे हम सर्वर कहते हैं। तो अमेज़न ये सर्वर्स प्रोवाइड करता है जहां आप अपनी वेबसाइट को स्टोर कर सकते हैं और फिर सारी दुनिया उसे देख सकती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड स्टोरेज कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज है। दुनिया की ज़्यादातर वेबसाइट्स AWS पे है। तो इससे उसे क्या फ़ायदा होता है? इससे अमेज़न को ये पता चलता है कि दुनिया की कौन सी वेबसाइट्स ज़्यादा चल रही हैं, उनके कौन से पेजेस लोगों को पसंद आ रहे हैं, उन वेबसाइट्स पे क्या प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो अमेज़न के पास बहुत बड़ा डेटा आता है। जैसे अमेज़न ये बता सकता है कि पहले नेटफ्लिक्स काफ़ी अच्छा चल रहा था, आजकल हॉटस्टार की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। या वो ये बता सकता है कि अब लोगों को Z5 में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये ऐप की वेबसाइट में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की ये वाली वेबसाइट अब ज़्यादा चल रही है, ये वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो रहा है। अमेज़न को सब पता चलता रहता है कि उसके पास जितनी भी वेबसाइट स्टोर्ड हैं उसमें किस में ट्रैफिक आ रहा है, उसके कौन से पेज में ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिससे कल को अमेज़न जब उस सर्विस पे घुसे तो वो उन क्वालिटीज़ को ले सके जो चल रही हैं और उन क्वालिटीज़ को अवॉइड कर सके जो नहीं चल रही हैं। अमेज़न गो नाम के कई सारे ऐसे स्टोर्स खोले गए हैं डेवलप्ड नेशंस पे, जहां की पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर, वो बिग बाज़ार जैसे स्टोर्स हैं या उससे भी बड़े, लेकिन वहाँ एक भी ह्यूमन नहीं है। कम्प्लीटली वो टेक्नोलॉजी से स्टोर चलते हैं। आप आइए, सामान लीजिए, अपने कार्ड को टैप करिए, गेट्स खुल जाएंगे, आप निकल जाइए, किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। तो अमेज़न ने टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारे कॉस्ट जो एक ट्रेडिशनल स्टोर को चलाने में आते हैं वो कॉस्ट भी कम कर दी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं तो इससे भी अमेज़न को लगातार एक ऑर्डिनरी स्टोर के मुकाबले कंज्यूमर बिहेवियर का ज़्यादा डेटा मिलता रहता है। इसके अलावा जो इस तरीके के स्टोर्स हैं जो ग्रोसरीज या बहुत ज़्यादा सामान उपलब्ध करवाते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा हेडेक होता है। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये हेडेक होता है कि इन्वेंट्री बहुत रखनी पड़ती है, माल बहुत सारा रखना पड़ता है ताकि कस्टमर आए और उसमें से कुछ ले जाए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन अमेज़न को इन्वेंट्री भी ना के बराबर रखनी पड़ती है क्योंकि उसका मार्केट प्लेस मॉडल है। तो लोग सामान रखते हैं, अमेज़न पे सिर्फ ऑर्डर और डिलीवरी का काम होता है। सामान टेक्नोलॉजी के कारण अमेज़न को नहीं रखना पड़ता और बिना खुद सामान रखे वो प्रिडिक्टिव शिपिंग के जरिए जल्दी से जल्दी सामान डिलीवर करवा पाता है। तीसरी बात करते हैं कॉस्ट की। अमेज़न पे सामान इतना सस्ता क्यों मिलता है और उसके बावजूद अमेज़न पैसे कैसे कमा लेता है? तो लोअर कॉस्ट का कारण भी है मार्केट प्लेस मॉडल। जो सामान मैं अमेज़न पे बेच रहा हूँ वो बहुत सारे सेलर्स और बेच रहे हैं, तो सबके बीच में कॉम्पिटिशन रहता है क्योंकि सबको पता है कि जो सबसे सस्ता ऑफर करेगा उसी का सामान बिकेगा। अगर मैं कोई जूते 1000 में दे रहा हूँ और अगर दूसरा सेलर उसे 900 में दे रहा है तो मुझे पता है कि हर कोई उसी से खरीदेगा जो 900 में दे रहा है, तो मैं अपने प्राइसेस घटा के शायद 850 कर दूँ। तो जब ये 100-150 हज़ारों सेलर्स आपस में एक सामान के लिए कम्पीट करते हैं, इस कॉम्पिटिशन के कारण प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं और इस कारण, लोअर प्राइसेस के कारण, लोग ज़्यादा अमेज़न पे आते हैं। और अगर लोग ज़्यादा अमेज़न पे आ रहे हैं तो सेलर्स की, क्योंकि ज़्यादा सेल अमेज़न से आ रही है, वो ज़्यादा अमेज़न पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको मजबूरी में प्राइसेस और गिराने पड़ते हैं। तो अमेज़न का ये मार्केट प्लेस मॉडल ही ऐसा है कि ये सारे सेलर्स को आपस में भिड़ा देता है कि प्राइसेस और गिराओ, जिस कारण ज़्यादा ट्रैफिक आता है, जिस कारण सेलर्स की मजबूरी है कि क्योंकि उनके ऑर्डर्स अमेज़न से आ रहे हैं तो वो प्राइसेस को और कम करते जाएं। इसके अलावा अपनी कंपनी को मैनेज करने में ह्यूमंस को कम से कम रख के, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करके, डेटा का बेटर यूज़ करके, पहले से सामान को गोडाउंस में रेडी रख के, ये सारी चीज़ें मिला के अमेज़न एक बहुत कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी है। उसने अपनी कॉस्ट इतनी कम कर ली है कि कोई और कंपनी अगर सेम काम करके अमेज़न से कम्पीट करना चाहे तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अमेज़न खुद बहुत लोअर मार्जिन पे काम कर रहा है और उसके पास स्केल है, तो वो सस्ते मार्जिन पे काम करके भी पैसा कमा पा रहा है। तो किसी नए कॉम्पिटिटर के लिए अमेज़न से कम्पीट करना लगभग नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, आखिर अमेज़न पैसे कैसे कमाता है। डिस्कस करते हैं उसका रेवेन्यू मॉडल।
तो पहला जो कि सबसे ऑब्वियस है कि हर सामान जो बिकता है उस पर अमेज़न कमीशन चार्ज करता है और ये कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितने भी ऑर्डर्स हो रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों ऑर्डर्स, उस पर अमेज़न कमीशन ले रहा है क्योंकि वो सेल अमेज़न से आ रही है। भारत में अभी वो कमीशन फिर भी बाकी देशों के मुकाबले कम है और वो कमीशन अमेज़न एक तरीके से चीज़ों को और सस्ता करने में, सब्सिडाइज करने में यूज़ करता है क्योंकि इंडिया में वो अभी भी ग्रोइंग है, लेकिन बाकी देशों में उसका कमीशन भी ज़्यादा है और उसने चीज़ों को सब्सिडाइज करना भी कम कर दिया है क्योंकि अब अमेज़न का बाकी देशों में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बचा। इसके अलावा आपने कई सारे अमेज़न पे लिंक्स देखे होंगे जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं, जिसमें अमेज़न दिखाता है कि स्पॉन्सर्ड। तो ये है एडवर्टाइजिंग फ़ी, यानी कोई सेलर चाहता है कि उसका सामान बिके तो वो अमेज़न को पैसे देता है कि मेरे प्रोडक्ट को ऊपर दिखाओ जिससे उस सेलर की सेल बढ़े। तो ऐसे ऊपर दिखाने के लिए, लिस्ट में प्रायोरिटी देने के लिए अमेज़न पैसे लेता है। और अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए कि दिल्ली में एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जहां सैमसंग के फ्रिज और टीवी बिकते हैं, तो उसने अमेज़न में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चालू किया और अमेज़न ने क्या किया कि उसके प्रोडक्ट्स पे खुद थोड़ी सब्सिडी देना चालू किया, जिससे ऑफलाइन में वो सामान महंगा है क्योंकि वहाँ अमेज़न सब्सिडी नहीं दे रहा और ऑनलाइन वो फ्रिज सस्ता मिल रहा है क्योंकि अमेज़न की सब्सिडी है। तो क्योंकि अमेज़न पे सस्ता है, लोग कंपेयर करेंगे और अमेज़न से ख़रीदने लगेंगे जिससे उस सेलर की ऑफलाइन सेल कम होगी और उसको दिखेगा कि अमेज़न से अच्छी सेल आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो अमेज़न को एडवर्टाइजिंग फ़ी देगा जिससे उसके प्रोडक्ट ज़्यादा ऊपर दिखें। तो अमेज़न एडवर्टाइजिंग फ़ी कमा रहा है। अब उसी फ़ी से वो उस फ्रिज को और सब्सिडाइज करेगा जिससे उस सेलर की ऑफलाइन सेल और कम हो जाएगी, ऑनलाइन सेल और बढ़ती जाएगी। तो मजबूरी में, क्योंकि अब ज़्यादातर सेल ऑनलाइन आ रही है अमेज़न से, वो अमेज़न को और फ़ी देगा एडवर्टाइज़ करने के लिए, अमेज़न और सब्सिडाइज करेगा, ये साइकिल चलता रहेगा और अमेज़न कमाता रहेगा। तो कमीशन हो गया, एडवर्टाइजिंग फ़ी हो गया, अमेज़न वेब सर्विसेज में सर्वर में स्टोर करने के लिए अमेज़न पैसे लेता है। तो जब भी कोई वेबसाइट को कोई क्लिक कर रहा है या कोई वेबसाइट पर आ रहा है, तो क्योंकि वो वेबसाइट अमेज़न के सर्वर पर है तो अमेज़न उस वेबसाइट के ओनर से पैसे लेता है। अब सोचिए, अगर मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा अमेज़न कमाएगा क्योंकि वो वेबसाइट अमेज़न के पास स्टोर्ड है। तो सारी दुनिया में लोग मेहनत करके ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रहे हैं और जितने ज़्यादा लोगों को वो अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं उतना ज़्यादा AWS की फ़ी बनती जा रही है और अमेज़न ज़्यादा कमाता जा रहा है। तो ये कितना अच्छा बिजनेस है कि सारी दुनिया का बिजनेस बढ़े, सारी दुनिया मेहनत करके कमाए और जितना सारी दुनिया कमाएगी उसका एक हिस्सा अमेज़न को अपने आप मिलता जाएगा। ये एक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कुछ अमेज़न के एक्विजिशंस की। जैसे आपने IMDb का नाम सुना होगा जहाँ मूवीज़ की रेटिंग होती है, उसे अमेज़न ओन करता है। आपने Goodreads सुना होगा जो बुक्स की रेटिंग होती है, उसे अमेज़न ओन करता है। Alexa जो कि पहले एक वेबसाइट, रैंकिंग वेबसाइट थी और आजकल वो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे अमेज़न इको हो गया, इस तरह की चीज़ें अमेज़न की हैं। किंडल जो बुक रीडर और ई बुक फॉर्मेट है वो अमेज़न का है। ऑडिबल ऑडियो बुक्स वाली जो वेबसाइट है, या फिर जंगली जो कि प्रोडक्ट कंपैरिजन वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें अमेज़न की हैं। अमेज़न फायर टीवी स्टिक, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। और ये सारी तो मैंने अभी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की बात की, अब बात करते हैं सर्विसेज की। जैसे अमेज़न प्राइम, चाहे वो बुक्स हो, मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, फास्टर डिलीवरी हो, ये सब कुछ आपको मिलती है अमेज़न प्राइम के ज़रिए, जिसकी वो ईयरली फ़ी लेते हैं। और इंडिया में अभी वो 129 रुपये महीना या 1000 रुपये साल का है, लेकिन US में उसकी फ़ीस 7000 रुपये साल की है। तो इंडिया में भी अमेज़न प्राइम की फ़ीस तेज़ी से बढ़ेगी जैसे जैसे लोगों को इसकी आदत होगी। तो प्राइम से भी अमेज़न रिकरिंग रेवेन्यू कमाता है हर साल। और इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे कि अमेज़न पे एग्रेसिव होता जा रहा है, फ़्लाइट बुकिंग्स हो, मूवी बुकिंग्स हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स हो, इस तरह की चीज़ों में भी अमेज़न एग्रेसिवली आता जा रहा है। और इन सारी सर्विसेज को वो ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना पाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है। उसे पता है कि दिल्ली से मुंबई के लिए 2 महीने बाद कितने लोग रफली टिकट्स बुक कराएंगे, तो वो आज ही प्राइसिंग को उस हिसाब से ऑल्टर कर सकता है, उस हिसाब से कूपन कोड्स प्रोवाइड कर सकता है। उसे पता है कि दुर्गा पूजा के समय कोलकाता में आने वाले और जाने वालों का फ़्लाइट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो वो कई महीनों पहले से ही उस हिसाब से कूपन कोड्स प्रोवाइड कर सकता है, उस हिसाब से डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेज़न को यूज़ करें। तो उनका जो डेटा एडवांटेज है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ करके
एक अनबीटेबल बिजनेस मॉडल तैयार किया है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के Amazon बनी है एक महान कंपनी। तो मैंने आज जो आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे बिगेस्ट एडवांटेज आपकी नज़र में कौन सा है, उसे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह कंपनीज़ के बारे में और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां मैं हर रोज़ इस तरह की और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज डालता रहता हूं। क्या आप भी मेरी तरह इस तरह कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना सीखना चाहते हैं? क्या आप इस तरह की कंपनीज ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इस तरह बिजनेस को एनालाइज करना सीखने के लिए, इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एक साल के इन्वेस्टिंग कोर्स अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जहां वीडियोस, टेक्स्ट लेसन, क्विजेज, डाउनलोड्स, एक्सेल शीट्स, ये सारे तरीकों के जरिए हम आपको सिखाते हैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनना। इस कोर्स का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो पेटीएम के बिजनेस मॉडल को देखना बिल्कुल मत भूलिए। इसका लिंक भी आपको कार्ड और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।